आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं, अगर एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की, आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हो लगती हैं 16 साल की। लेकिन ये नुस्खा आपने अपने रिस्क पे आजमाना है, क्योंकि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, कहते मैंने वो नुस्खा आजमाया है, मुझे तो उल्टा पड़ गया है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने जाके बेगम को कहा कि आप 16 साल की लग रही हैं। कहते मेरी बेगम ने कहा कि आपकी पहले आंखें खराब थी, अब दिमाग भी खराब हो गया। करके अगवा सांस मेरे बास की, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को। करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को, तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। बाज़ ख़वातीन बहुत नेक दिल होती हैं, साफ गो होती हैं, साफ साफ बात करती हैं। ऐसी ही खातून का एक जिक्र है कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। इस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी वो भारी थी। जो हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, ये बददुआ थी तेरी कोई ना मेरे पास रहे, मगर मैं देता हूं तुझको दुआ तहे दिल से, खुदा करे कि तेरे घर में तेरी सास रहे। मैंने जब ये कथा लिखा तो मेरी बास बहनों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि आपने सास के खिलाफ लिखा है, अब आपकी जान सिर्फ इसलिए छूट सकती है कि आप सास के हक में लिखें। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं सास के हक में लिख देता हूँ। अगली दफ़ा एक जगह बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे मैंने ये शेर लिखा कि फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, गलत फहमी हुई ऐसी कि अब मेरी क्लासें हों, मुझे तो सास के रिश्ते से खुद इतनी अकीदत है, मेरी जाती तमन्ना है मेरी 2-3 सासें।